इस एस्से में एजी गार्डनर जी ने बहुत सारे एग्जांपल्स स्टोरीज़ के माध्यम से ये बताया है कि व्हाट इज़ ट्रू फ्रीडम, ट्रू फ्रीडम क्या होती है। उन्होंने पहली स्टोरी, पहला एग्जांपल जो शेयर करा है वो ये है कि एक वुमेन होती है दोस्तों, एक वुमेन है, एक औरत है जो कि टोकरी लेकर सड़क के बिल्कुल बीचों बीच में चल रही है। तो जब वो सड़क के बीचों बीच में चल रही है तो बाकी जो लोग हैं जो गाड़ी लेकर इधर से उधर जा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों। तो जब उस औरत को बताया जाता है कि आप पैदल चल रही हैं और पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ बना हुआ है तो आप फुटपाथ पे चलिए, तो इस पर दोस्तों वो जो औरत होती हैं वो एक तर्क देती हैं और कहती हैं कि अब तो हम फ्री हो गए हैं और अब हमें फ्रीडम मिल चुकी है तो मैं जो करना चाहूँ वो कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि एक किसी इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है अगर वो अपने बारे में ही सोचता है, अपने ही मन की करता है तो बाकी बहुत सारे लोगों को किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और अगर हम दूसरी साइड देखें जो बाकी जो लोग हैं जो रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, अगर वो फुटपाथ पर गाड़ी चलाने लगे यानी वो भी अपने मन की करने लगे तो बाकी जो फुटपाथ वाले लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगेगी। तो जो एजी गार्डनर जी हैं वो यही बता रहे हैं कि जब हर एक व्यक्ति अपने मन की करने लगे यानी अपने ही राइट्स, अपने ही फीलिंग्स के बारे में केवल सोचे तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी और जहाँ पर वो जाना चाहते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं वो पहुँच नहीं पाएंगे समय पर और उनको पहुँचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आगे वो बताते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के बारे में बताते हैं दोस्तों, जो पुलिसकर्मी होते हैं, ट्रैफिक मैन, जो पुलिस मैन है जो हमारे सड़कों पर लगे होते हैं हमारे सुरक्षा के लिए, तो अक्सर हम उन्हें जो साइन सिंबल ऑफ अनार्की मानते हैं यानी अराजकता का सिंबल मानते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वो सिंबल ऑफ फ्रीडम है। क्यों? क्योंकि उनके बदौलत ही हम समय पे जहाँ पहुँचना चाहते वहाँ पहुँच पाते हैं और आज हमारे बहुत जगहों पे जो जाम लगता है वो नहीं लग पाता है। तो अगर ट्रैफिक पुलिस ना हो तो बहुत जगहों पे बहुत ज़्यादा जाम लगेगा और लोग अपने समय पर पहुंच नहीं पाएंगे और काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हो जाएंगे। तो इस एग्जांपल के बाद आगे वो बताते हैं कि हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो फीलिंग्स हैं वो तब तक सही है जब तक कि दूसरे व्यक्ति किसी व्यक्ति को उससे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं कि हम चाहे तो जैसे कपड़ा पहनना चाहे वैसे पहन सकते हैं, मतलब जैसे कपड़े का मतलब ऐसा कोई कपड़ा नहीं जिससे हम हंसी के पात्र बने या सही कपड़े ना हो वो समाज के नज़रिए में, मतलब हमारे अधिकार के अंदर हम ऐसे कपड़े पहने, और साथ में हम अपने मूछे रंग कर सकते हैं, अपने बालों को रंग कर सकते हैं, हम रात को देर से सोएं या फिर जल्दी उठ जाएं, तो ऐसे कोई भी काम हम जो कर रहे हैं जिससे समाज को, समाज में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है तो ठीक है तब तक। लेकिन अगर हम कोई ऐसा काम, अगर हम जो काम कर रहे हैं उससे समाज के लोगों को, हमारे आसपास के लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वो काम हमें, उस काम को थोड़ा कम करना चाहिए या उसको लिमिट में रहकर करना चाहिए, यानी उसमें उस काम में कटौती करनी चाहिए और उसको लिमिट में रहकर करना चाहिए जिससे हर एक व्यक्ति को की फ्रीडम को, मतलब प्रॉब्लम उस हर एक व्यक्ति की जो फ्रीडम है उसको वो प्रभावित ना करे। आगे दोस्तों वो एक मतलब स्टोरी शेयर कर रहे हैं इस एस्से में। उन्होंने बताया है कि एक बार एक ट्रेन का सफ़र था, तो उस ट्रेन के सफ़र में एक व्यक्ति होता है दोस्तों जो कि जो ऑथर हैं वो एक ब्लू बुक पढ़ रहे हैं, तो जब वो ब्लू बुक पढ़ रहे होते हैं तो उस ब्लू बुक को पढ़ने के दौरान एक व्यक्ति भी वहाँ पर रहता है जो कि बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ लाउड आवाज़ में अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा होता है, और जिस तरीके से वो बात कर रहा होता है उससे बाकी जो बगल के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है, और साथ में जो ऑथर हैं जो ब्लू बुक वो पढ़ रहे हैं वो भी वो नहीं पढ़ पा रहे होते हैं, तो वो अपना बुक पढ़ना रोक देते हैं दोस्तों, लेकिन जो ऑथर हैं वो उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं किसी एक, जब कोई एक व्यक्ति
अपने बारे में सोचता है, अपने फीलिंग्स, अपने राइट्स के बारे में सोच रहा है, तो कितनी प्रॉब्लम लोगों को हो रही है। आगे दोस्तों उन्होंने एक एग्जांपल दिया है ट्रोम्बोन का, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो उन्होंने इसको लेकर बताया है कि अगर हम इसे बजाएं, बहुत तेज़ी से बजाएं, तो उसे हमारे समाज में जो लोग हैं, हमारे जो रिलेटिव हैं और हमारे घर के जो लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और उसे हम अगर किसी एवरेस्ट पे जाकर बजाएं तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें आवाज़ कम करके बजाना चाहिए। यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोग बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बजा देते हैं अपने घर में दोस्तों, और ऐसा कोई भी बाजा बजाते हैं बहुत तेज़ आवाज़ में, डीजे बजाते हैं, तो जिससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही होती है लेकिन वो कह नहीं पाते। तो हमें उनके राइट्स, हमें उनकी फीलिंग्स को देखते हुए समाज में हर एक काम को करना है। तो वो एक टोन बोन का एग्जांपल देते हैं दोस्तों, और कहते हैं कि हमें उन इंस्ट्रूमेंट को मतलब लिमिट में रहकर कम आवाज़ में बजाना चाहिए। तो इस ऐसे के माध्यम से दोस्तों वो यही कहना चाह रहे हैं कि हमें जो फ्रीडम मिली है, उस फ्रीडम को दोस्तों हमें ही नहीं बल्कि सभी को फ्रीडम मिली है, तो हमें सबकी फ्रीडम का, सबके फीलिंग्स का, सबके अधिकार का हमें मतलब सम्मान करना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए, और हमें लिमिट में रहकर मतलब हमें अपने जो नीड्स हैं, अपने जो आवश्यकताएं हैं, उनको मतलब लिमिट में रखना चाहिए। और जब हम लोगों के बारे में, लोगों के अधिकार, फीलिंग्स के बारे में सोचेंगे, तभी जाकर हमारे जो ज़िंदगी है वो बहुत ही मधुर, बहुत ही अच्छी बन पाएगी। लेकिन केवल जब हम अपने बारे में सोचेंगे, अपने ही अधिकार, अपने ही फ्रीडम के बारे में सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही बिटर बन जाएगी, कड़वी बन जाएगी। तो दोस्तों हमारे एजी गार्डनर जी इस ऐसे के माध्यम से बताना चाह रहे थे। आई होप दोस्तों मैं सारी चीज़ें अच्छे से बता पाया हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना आपको ख्याल रखिएगा।